हर माँ अपने बच्चे को पूरा प्यार और देखभाल देना चाहती है। वो हर तरह से अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचती है। जब गज़ल अलग और वरुण अलग अपने बच्चे की उम्मीद कर रहे थे, तो वो हर तरफ से अपने बच्चे की सेफ्टी के बारे में ध्यान रखना चाहते थे। हर माता पिता की तरह वो इंटरनेट पर सर्च करने लगे वो हर बेहतर चीज़ अपने बच्चे के लिए, यहाँ तक कि बच्चों की ज़रूरत वाले प्रोडक्ट्स भी। वो दोनों ये देखकर शॉक्ड रह गए कि कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में सेफ्टी स्टैंडर्ड को मैच नहीं करता था। अब वो पेरेंट्स बनने वाले थे, तो साथ ही में अपने फ्रेंड्स के बच्चों के लिए भी परेशान हो गए। जब वरुण और गज़ल पेरेंट्स बने, तब वो US से प्रोडक्ट्स मंगवाने लगे जो हायर क्वालिटी स्टैंडर्ड का हो, पर ऐसा करना कॉस्टली और इनकन्वीनियंट साबित हो रहा था। इस प्रॉब्लम के वजह से वो बेबी प्रोडक्ट्स पर रिसर्च करना स्टार्ट कर दिए और ये सब एक्सपीरियंस और उन्होंने एक ब्रांड बनाने का सोचा बाकी सभी पेरेंट्स के लिए। उन्होंने 6 महीने तक नींद के बारे में ना सोचकर दिन रात एक कर दिया, रिसर्च करने में, R&D टीम बनाने और सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने में, और फिर उन्हें इन सब का सॉल्यूशन मिल गया। 2016 में वो दोनों ने अपने ब्रांड मामा अर्थ लॉन्च किया, फोनासा कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, गुड़गांव में, और नेचुरल प्लांट बेस्ड और मैनमेड मटेरियल को यूज़ करके जो बिल्कुल सेफ था और सर्टिफाइड था। 4 साल में ही मामा अर्थ एशिया का पहला ब्रांड बन गया जिसे मेड सेफ सर्टिफिकेट मिला उनके टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट्स के लिए। इस ब्रांड का मकसद बेबी को सेफ प्रोडक्ट देना है जिससे पेरेंट्स स्ट्रेस फ्री रह सके। 6 प्रोडक्ट से स्टार्ट किया गया मामा अर्थ आज स्किन हेल्थ केयर मैन और वुमेन सभी में डाइवर्सिफाइड है। मामा अर्थ इंडिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड बन गया जो सिर्फ 4 साल में 100 करोड़ का टर्नओवर कर चुका है। ET ब्रांड फेस्टिवल ने मामा अर्थ को वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड भी चुना गया था। वरुण और गजल ने बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को अप्रोच किया था मामा अर्थ के ब्रांड एम्बेसडर के लिए, पर 6 महीने हो गए उनका कोई रिप्लाई नहीं आया था। लेकिन 8 महीने बाद उन दोनों को शिल्पा की तरफ से कॉल आया और ना ही उन्होंने प्रोडक्ट की तारीफ की बल्कि कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में भी कहा। मामा अर्थ से देश भर में मिलियन ऑफ कस्टमर जुड़ गए हैं। कंपनी और बढ़ने और लोगों तक अपने प्रोडक्ट पहुंचाने के बारे में ही सोचता है और उनका कहना है कि मामा अर्थ कुछ समय बाद 500 करोड़ का बन जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के सक्सेसफुल स्टार्टअप वीडियोज़ पाने के लिए। थैंक यू।